स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें लेटर राइटिंग आता नहीं है और वो उनको बहुत कॉम्प्लिकेटिव पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स तो अपने शब्दों में लिखकर आते हैं, काफी सारी मिस्टेक करते हैं, सही फॉर्मेट पता नहीं होता है, इस वजह से उनको जितने नंबर मिलने चाहिए थे या जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नहीं मिल पाते। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह। आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लेटर एप्लीकेशन जो एग्जाम्स में आते हैं उनको कैसे लिखकर आना होता है और एग्जैक्टली लेटर्स होते क्या है वो भी आज मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये कितने प्रकार के होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, जितनी भी चीजें सारी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। साथ ही लास्ट में आपको एक लेटर मैं लिखकर भी बताऊंगा कि हम इस पैटर्न के थ्रू इसको लिखते हैं। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप नए बिगनर हैं, आपको एकदम जीरो से स्टार्टिंग करनी है, जीरो से इंग्लिश सीखनी है, तो हमने इसके लिए अलग से इंडिविजुअल एक प्लेलिस्ट बनाई है बेसिक फॉर न्यू स्टूडेंट्स की, उसको विजिट करें। उसमें 40 से 50 वीडियो आपको मिलेंगे जो आपके सभी टॉपिक पर बेस्ड है। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया फटाफट कर लो, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ बोर्ड पर आप लेटर्स, हम लोग सबसे पहले लेटर्स के टाइप्स देख लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के प्रकार। देखो सबसे पहला लेटर का जो टाइप होता है वो होता है फॉर्मल लेटर, और सेकंड जो होता है वो आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। अ फॉर्मल लेटर वो लेटर्स होते हैं जो आप किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूट को, अथॉरिटी को, स्कूल को, या फिर अपनी कॉलेज को, आपकी भाषा में कहें तो आपके जो एप्लीकेशन होते हैं राइट, वो आपके फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। गॉट इट? अगर आप कहेंगे कि लेटर और एप्लीकेशन के बीच में डिफरेंस है तो ऐसा नहीं है, लेटर्स की ही कैटेगरी में एप्लीकेशन आते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स विच आर रिटन टू अवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स, राइट, जिसमें आप अपने रिलेटिव्स को, बुआ जी को, फूफा जी को, अपने किसी फ्रेंड को, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स में आप मान लो हॉस्टल में रह रहे हो तो अपने पापा को ही मनी ऑर्डर के लिए आप कुछ लिख रहे हैं, या फिर काफी सारे टाइप्स होते हैं। तो ये आपके लेटर्स के दो टाइप होते हैं। अब बात करते हैं इनके फॉर्मेट्स की, तो आपको बता दूं भैया इनका फॉर्मेट्स बहुत अलग अलग होता है। फॉर्मल राइटिंग के फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं इनका फॉर्मेट अलग होता है, इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं इनका फॉर्मेट अलग होता है। हम लोग देखते हैं इनका फॉर्मेट क्या होता है, लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और जो मैं आज आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ उस फॉर्मेट के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा भी लिखना कैसे है। दूसरी बात, हर संडे हम लोग जो है लाइव आते हैं। अगर संडे जो है आप लाइव आते हैं तो आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस हैं, जो जो क्वेरीज हैं, जो भी पूछना चाहते हैं आप एट ए टाइम वहाँ पर पूछ सकते हैं, राइट। देखिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स का क्या फॉर्मेट होता है, अभी मैं इनफॉर्मल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मल लेटर जो है उसका फॉर्मेट बता रहा हूँ और फिर उसके बाद इनफॉर्मल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे ऊपर आपको डियर स्टूडेंट्स मेंशन करना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। तो ऑलरेडी आपको एग्जाम्स में एड्रेस दिया जाता है कि यू आर अमित कुमार, यू लिव इन 26 रामेश्वर नगर खंडवा, यू लिव इन 27 आरोही कॉलोनी है, वॉट एवर कॉलोनी राइट इन भोपाल, राइट। तो आपको दिए जाता है एड्रेस, यू आर ऑलरेडी गिवन एड्रेस, और उस एड्रेस के को आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। देखिए जैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पर, राइट। जैसे आप एड्रेस लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे 26, अगर ब्लॉक है तो ए बी सी जो भी ब्लॉक है तो 26B रामेश्वर नगर खंडवा, कुछ इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा, 26 रामेश्वर नगर खंडवा। आप चाहे तो पिन कोड भी मेंशन कर सकते हैं, 1MP। ये कुछ इस तरीके से आपको आपका एड्रेस सबसे ऊपर जो है सेंडर एड्रेस मेंशन करना होगा, और ये याद रखिए आपको लेफ्ट साइड करना है। ये इसीलिए कॉपी का मैंने क्या किया है, पेज यहाँ पर इस तरीके से बना दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इन केस मान लो आपको नहीं दिया है सेंडर एड्रेस, तो फिर आपको डायरेक्ट डेट से स्टार्ट कर देना, फिर आपको नहीं लिखना है। वैसे बोर्ड एग्जाम्स में याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी यू आर गिवन सेंडर्स एड्रेस, और वही एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, वही नाम आपको लास्ट में लिखना होगा। चलिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको मेंशन करनी है डेट। अब डेट मेंशन कैसे करते हैं बच्चे, क्या करते हैं डेट मेंशन, जैसे आज की हम डेट देखें तो आज है 26 अगस्त 2020। भैया बता दूं ये गलत पैटर्न है, अगर ऐसे डेट लिखकर आओगे ना तो सीधा आधा नंबर काट लेगा आपका एग्जामिनर, इसलिए थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है 26 कुछ इस तरीके से अगस्त 2020। दैट्स द एग्जैक्ट एंड द राइट वे टू राइट योर डेट। गॉट इट?
ये सबसे अच्छा तरीका है आपकी डेट को मेंशन करने का। इसको बॉक्स में नहीं बनाया, नहीं तो मैंने बॉक्स में बना दिया, आप लोग भी इसको बॉक्स में बना दे पता चले। ये छोटे छोटे रूल हैं स्टूडेंट्स जो आपको माइंड करने हैं, जिनके कारण आपको पूरे नंबर मिलेंगे भैया। 5 out of 5, 7 out of 7, 6 out of 6, 4 out of 4, जितने नंबर का भी आ रहा है लेटर आपको उतने पूरे नंबर मिलेंगे फिर। तो ये इस तरीके से आपको डेट मेंशन करनी है। ये सब लेफ्ट साइड हो रहा है, राइट साइड कुछ नहीं लिखना, याद रखना। ये आपकी जो कॉपी है इसके इधर राइट साइड पर आपको कुछ भी नहीं लिखना होता। लेटेस्ट जो फॉर्मेट है इसमें आपको सारा कंटेंट जो होता है लेफ्ट साइड लिखना होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो एक बुक रखी है उसमें हमने राइट साइड देखा था, भैया वो बुक आदम खान के जमाने की है। पहले पैटर्न था इस ओर लिखने का, लेकिन वो अब पैटर्न खत्म हो गया है। अब जो भी हमें लिखना होता है वो इसी ओर लिखना होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड जो हमको लिखना है वो है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन मतलब कि आप जिसको पत्र लिख रहे हो, जिसको आप अपना लेटर लिख रहे हो, उसके लिए आपको यूज करना होता है। तो टू लिखकर यहां कॉमा लगाएंगे एंड देन आप लिखेंगे, अब आप जिसको भी लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खंडवा मध्य प्रदेश, राइट? ये आपने लिख दिया टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खंडवा मध्य प्रदेश। मतलब आप किसको आपका लेटर लिख रहे हो भैया? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को। तो आपको सैल्यूटेशंस में इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि सैल्यूटेशंस में आप किसको पत्र लिख रहे हो उसको आपको फिर यहां पर मेंशन करना है। गॉट इट? और ये सारा एक ही लाइन में होना चाहिए। जैसे खंडवा मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया, इधर नहीं लिखना है इसको, जस्ट इसी के नीचे ऐसा करके। ये विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट्स, आपको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं राइट, ये बहुत बड़ा रिजल्ट जो है देती है, इसलिए इन सारी चीजों को विशेष ध्यान देना। देखो सब कुछ एक ही लाइन में सिस्टमेटिक तरीके से आ रहा है। अब ये आपने लिख दिया, अब इसके बाद आपको अगेन फिर लिखना है, अब जिनको लिख रहे हैं तो उनके लिए यूज करना है रिस्पेक्टेड सर, और फिर यहां कॉमा लगाना है। रिस्पेक्टेड सर के बाद में आपको आएगा बॉडी ऑफ लेटर्स। बॉडी ऑफ लेटर मतलब कि आपके लेटर की बॉडी लिखनी है। अब आपको अपने लेटर के अंदर जो जो कंटेंट आप लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं उसके लिए मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं। बॉडी ऑफ लेटर्स के लिए आप लिखेंगे, जैसे मान लो ये आपका पेज है, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। अब जो भी आप बोलना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। मान लो आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को पत्र लिख रहे हैं, आपकी कॉलोनी में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, यू आर बीइंग डिस्टर्ब फॉर फ्यू डेज, और आप जो है बहुत परेशान हो गए, तो आपको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखना है ये बताते हुए कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ओके, तो आप लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स दिस सीरियस प्रॉब्लम ऑफ, यू मे से प्रॉब्लम ऑफ लाउड स्पीकर, यू नो, इस तरीके से आप इसमें मेंशन कर देंगे। इसके अलावा आप सेकंड जो है वो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट, आप बोल सकते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू से दैट। काफी सारे पैटर्न होते हैं स्टार्टिंग के, आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप यहां से स्टार्ट करना चाहे, यहां से करना चाहे, यहां से स्टार्ट करना चाहे, ये जितने भी मैंने लाइंस आपको लिखी हैं, आप किसी भी लाइन से जो आपको अच्छी लग रही है उससे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू राइट, और मेरे अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली से स्टार्ट करें, या फिर ये वाली आपको जो सही लग रही है उस टाइम पर वहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? अब ये हो गया आपका बॉडी। बॉडी ऑफ लेटर को लिखने से पहले देखो क्या होता है कि अभी एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, रिस्पेक्टेड सर से ऊपर जो होता है आप लोगों को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, आप चाहे तो सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये थोड़ा सा ध्यान दे आप लोग, सब्जेक्ट जो होता है आपका सैल्यूटेशन के जस्ट बीच में, सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ लेटर के बीच में आता है यहां पर, जिसमें आपको लिखना होता है कि आपका पर्पस जो है वो क्या है इसको लिखने का। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान दे कि सब्जेक्ट जो होता है आपका सैल्यूटेशन के मतलब कि यहां पर आता है खंडवा, और रिस्पेक्टेड सर के बीच में यहां पर आपको अगर सब्जेक्ट लिखना होगा तो वो यहां पर आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है? ये मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया, याद रखिए आप लोग। और ये सब्जेक्ट स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में ही होता है, और कभी कभी अगर आप सब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद ही आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट आप अगर नहीं लिख कर आओगे तो आपके नंबर कटते हैं, ऐसा नहीं है। बट सब्जेक्ट अगर आप लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि
आपका जो लेटर होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक दिखता है, एंड दैट्स व्हाई इंसिस्ट यू कि आप सब्जेक्ट मेंशन करें। और इसीलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा वो आपके लिए। तो सब्जेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है और सब्जेक्ट को लिखते कैसे? तो सब्जेक्ट जो होता है भैया ये आपका बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसमें आपको कोई अपना टैलेंट दिखाना नहीं होता कि आप बहुत लेंथी लिख रहे हैं। आपको सिर्फ सिंपल से याद रखना है यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना है। और जैसे मान लो आपके कॉलोनी में बार बार लाइट कट रही है, तो सब्जेक्ट डायरेक्ट आप लिखेंगे कंप्लेन रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस और कुछ भी नहीं है ना। कंप्लेन रिगार्डिंग फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एप्लीकेशन फॉर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक लेटर लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खंडवा मध्य प्रदेश, सब्जेक्ट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एप्लीकेशन फॉर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको कोई ज्यादा उसमें टैलेंट अपना दिखाना नहीं है ना। रिस्पेक्टेड सर, राइट, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, वैसे तो हम सर ही मेंशन करेंगे ज्यादातर। एंड देन उसके बाद फिर आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है कि आई, ये देखो इतनी जगह थोड़ी छोड़नी है आपको, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर kind attentions towards this serious problem of frequent breakdown of electricity in our locality. हमारी लोकेलिटी में, हमारे एरिया में, हमारी कॉलोनी में ये जो बार बार लाइट जा रही है, इसकी जो परेशानी है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो परेशानी है, उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तो सारी चीज़ें आपको अपने बॉडी ऑफ लेटर्स में फिर धीरे धीरे उसको पूरा मेंशन करना है। होप स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, टफ नहीं है। आपको पूरे पैटर्न को सिस्टमेटिक तरीके से, इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, फॉलो करना है, देन यू विल गेट 5 out of 5। अगर 7 का तो 7 out of 7, 4 मार्क्स का तो 4 out of 4। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नंबर में दिए जाते हैं। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। देन लास्ट में आपको लिखना होता है, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस यू कैन राइट डाउन थैंक यू सो मच सर। जैसे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कमेंट करना है थैंक यू सो मच सर, तो ऐसे ही आपको नीचे भी लिखना होता है थैंक यू सो मच, राइट। और फिर यहां लिखना होता है आपको अपना नाम, और नाम लिखने का भी तरीका होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये जो स्टूडेंट्स लिखते हैं ना भैया, क्योंकि हम लोग जब कॉपी एग्जाम्स की चेक करते हैं बच्चों की, तो वो देखते हैं इस तरीके की मिस्टेक्स, वो इस तरीके से लिख कर आते हैं, यूअर्स ओबीडियंटली। भैया पहली फुर्सत में तो है ना, ये यूअर्स ऐसा बिल्कुल मत लिखना है, गलत है। आपको यूअर्स जो लिखना है ना, वो सिर्फ ये वाला लिखना है, एपोस्ट्रोप एस नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। ये वाला यूअर्स लिखना है आपको, पजेसिव में प्रोनाउन के सेंस में जो यूअर होता है वही आपको अप्लाई करना है, यूअर्स ओबीडियंटली। और यूअर्स ओबीडियंटली भी सिर्फ किसको लिखेंगे, जब आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, कम ऑन। जब आप अपने स्कूल के क्लास टीचर को लिख रहे हो, जब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, जब अपने स्कूल के स्पोर्ट टीचर को आप लिख रहे हो, तो ही आपको यूअर्स ओबीडियंटली मेंशन करना है। अदरवाइज अगर आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, आप कलेक्टर को लिख रहे हो, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास लिखने के लिए होता है यूअर्स फेथफुली, एक ये मेंशन कर सकते हैं, दूसरा होता है यूअर्स सिंसियरली, राइट। अब इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपको लिखना है, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली। और फिर उसके बाद आपका जो भी नाम है, अमित नाम है तो आप लिखेंगे अमित कुमार, ठीक है। याद रखिएगा बोर्ड के एग्जाम में आपको अपना नाम कभी नहीं लिखना होता, आपको वही नाम लिखना है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, आपको वही को नाम लिखना है, यूअर सिंसियरली, यूअर फेथफुली अमित कुमार, राइट। ये हो जाता है इस तरीके से आपका नाम लिखने का तरीका। तो स्टूडेंट्स हमने देखा आज फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स में, सबसे ऊपर वी हैव टू मेंशन द सेंडर एड्रेस, देन वी हैव टू मेंशन डेट, देन इन सैल्यूटेशंस वी हैव टू मेंशन, एंड दिस इज एक्चुअली पैटर्न ऑफ सैल्यूटेशंस दैट वी हैव टू से टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, टू द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खंडवा, एंड जो भी आप लिख रहे हैं, जैसे आप न्यूज एडिटर को लिख रहे, आप मान लीजिए एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, तो टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया खंडवा मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश। उसके बाद फिर यहाँ उसके बाद में नीचे लिखना होता है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको जो भी रीजन है वो रीजन आपको बताना है, एप्लीकेशन फॉर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशन फॉर सैनिटेशन, ठीक है ना। तो जो भी रीजन है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आपको लिखना होगा रिस्पेक्टेड सर, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग अवर बॉडी ऑफ लेटर्स। सो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जिसकी मदद से आप जो है फुल मार्क्स जो है ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा जो मैंने प्रयास किया है, जिसमें मैंने आपको बताया फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स, ये आपको क्लियर हुआ होगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स स्पेशली एमपी बोर्ड 12th में है,
एमपी बोर्ड 12th के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड 12th के जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं मैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूं, स्पेशली 12th के एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी। तो अगर वो लेना चाहते हैं क्लासेस तो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो हमारे चैनल का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी इस रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। अब इसको देखने के बाद में आप जो है 2-3-4 एप्लीकेशन लेटर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा इनफॉर्मल लेटर के बारे में, तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, मैं नहीं चाहता कि एक इंडिविजुअल वीडियो हम उस पर प्रिपेयर करें। तो इनफॉर्मल लेटर का भी यही पैटर्न होता है, आपको सेंडर एड्रेस लिखना होगा, ऊपर डेट मेंशन करनी होगी, और यहां पर आपको जो है सैल्यूटेशंस में डियर भैया, डियर पापा, है ना, इस तरीके से जिसको भी आप लिख रहे हैं वो आ जाता है, और उसमें आपको सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना होता, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, आपका जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं दे आर विदाउट सब्जेक्ट एक्चुअली, उनमें आपको सब्जेक्ट मेंशन नहीं करना होता, और लास्ट में यूअर्स लविंग सन, यूअर्स लविंग डॉटर जो भी है ना, और अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यूअर्स रवि, यूअर्स किशन, है ना, तुम्हारा किशन, तुम्हारा रवि, इस तरीके से लास्ट में नाम आ जाता है। तो वो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, टफ जो स्टूडेंट्स को लगता है वो फॉर्मेट मतलब एक फॉर्मल लेटर लगता है, और मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी आपके एग्जाम्स में। फटाफट फटाफट इसको लाइक करो, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। साथ ही ये राइटिंग स्किल का 6th डे था, अभी मैं 7th डे में और भी दूसरी नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और भी तमाम प्रकार की चीज़ें हम किस तरीके से लिखें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करें उस पर हम डिस्कस करेंगे। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।